हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मजनू लाल एक बहुत ही बिंदास और खुले विचारों वाला आदमी था, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी पत्नी सुरीली को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो जब भी अपने पति को किसी और औरत से बात करता देखती तो उस पर शक शुरू कर देती, क्योंकि मजनू दिखने में बहुत हैंडसम था। वहीं सुरीली कोयले से भी ज्यादा काली, जिसके चलते वो बुढ़ापे में भी उस पर शक करना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मजनू लाल अपनी सोसाइटी के पार्क में टहलने के लिए निकलता है और अपनी पड़ोसन माला को देखकर कहता है, क्या बात है माला जी, आज तो बड़े दिन बाद दिखाई दे रही हैं। कहाँ छुपा रखा था इस चांद से चेहरे को? मजनू लाल जी, इस पूरी सोसाइटी में एक आप ही हो जिन्हें मेरा ख्याल रहता है। क्या करूँ, मेरा तो दिल ही ऐसा है, मुझे तो सबका ख्याल रहता है। बताइए कहाँ थी आप इतने दिनों तक? मैं अपने दूसरे बेटे के घर गई थी, अभी कल ही वापस आई हूँ। सुरीली बहन नहीं दिख रही, कहाँ है वो? उसे घर और अपनी बहू से फुर्सती कहाँ है, घर पर ही है। चलिए फिर आज मैं आपको चाय पिलाती हूँ। नेकी और पूछ, चलिए। मजनू लाल इतना कहकर जैसे ही माला के साथ उसके घर की ओर कदम बढ़ाता है, तभी उसकी पत्नी सुरीली वहाँ आकर कहती है, कहाँ जा रहे हैं आप पति देव, अपने घर का रास्ता भूल गए क्या? कैसी बातें कर रही हो सुरीली, मैं भरा अपने घर का रास्ता कैसे भूल सकता हूँ। मैं तो बस माला जी के यहाँ चाय पीने जा रहा था। हाँ सुरीली बहन, मैंने भी भाई साहब को कहा चलिए चाय पीने के लिए। नहीं माला बहन, इतना कष्ट करने की जरूरत नहीं है, इनकी पत्नी अभी जिंदा है और तीन तीन भौए भी हैं जो इन्हें चाय बनाकर पिला सकती हैं। बुरा मत मानना सुरीली बहन, लेकिन तेरी उम्र भले ही हो गई हो, लेकिन शक तू अपने पति पर आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह ही करती है। क्या करूं, जब आसपास के लोगों की नजरें ही ठीक ना हो तो? इसमें गलती नजरों की है, सोच की नहीं। लेकिन सोच छोटी हो तो इसमें तेरी भी कोई गलती नहीं। अब तेरा पति तुझसे ज्यादा सुंदर है तो शक तो होगा ही। माला सुरीली को सुनाकर घर चली जाती है, जिस पर सुरीली गुस्से में अपने पति का हाथ पकड़कर उसे घर लाकर कहती है, देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा है, आप ज्यादा सोसाइटी की औरतों से बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इतना भी गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तो बस माला जी से हालचाल पूछ रहा था। अब इस उम्र में तुम्हारा इतना शक करना मुझ पे अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ऐसा काम भी मत किया करो कि मुझे आप पर शक करना पड़े, दूर रहिए औरतों से। हद है यार, अब तुम्हें क्या लगता है मैं बुढ़ापे में किसी को लेकर भाग जाऊंगा? सुरीली और मजनू आपस में बहस कर रहे थे कि तभी उसकी तीनों बहुएं, बड़ी बहू मीनाक्षी, छोटी बहू रीशु और तीसरी बहू पायल चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है, जिन्हें देखकर सुरीली चुप हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद तीनों बहुएं बोलती हैं, क्या हुआ ससुर जी? कुछ नहीं, दिन प्रतिदिन तुम्हारी सास का दिमाग खराब होता जा रहा है। जैसे ही मुझे किसी औरत के साथ देखती है मुझ पे शक करने लगती है, जैसे मेरा उसका चक्कर चल रहा है। ससुर जी अब गुस्सा मत करिए, आप तो माँ जी के स्वभाव को जानते ही हैं, वो आपको लेकर किसी औरत पर भरोसा नहीं करती हैं। बहू वही तो मुझे समझ नहीं आता कि जिसके साथ मैंने अपनी पूरी उम्र काट ली उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। अच्छा आप दुखी मत होइए, हम सासू माँ से भी बात करेंगे इस बारे में, आप चाय पी लीजिए वरना ठंडी हो जाएगी। हाँ ससुर जी, जेठानी जी सही कह रही हैं, आप ख्वामखा ही अपना मूड खराब कर रहे हैं। हाँ ससुर जी, हम तो चाय नाश्ता लेकर बड़ी खुशी खुशी आपके पास आए थे ये पूछने के लिए कि आप इस बार माँ जी को अपनी एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट देंगे। काहे की एनिवर्सरी बहू, देख नहीं रही अपनी सास का मुंह? पता नहीं इसके माँ बाप ने इसका नाम क्या सोच कर सुरीली रख दिया, इसके मुंह पर प्यार का एक बोल भी सुनाई नहीं देता है मुझे। ससुर जी अभी एनिवर्सरी में एक हफ्ते का समय है, तब तक आप किसी औरत से बात मत करना, उनका मूड खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ ससुर जी, ये बात तो जेठानी जी ने बिल्कुल सही कही, बस एक हफ्ता संभाल लो आप ये माँ जी का शक। अच्छा ठीक है, फिर तुम लोग एक अच्छी सी पार्टी की तैयारी करना शुरू कर दो, जिसे सुरीली देख कर दंग रह जाए और खुश हो जाए। सब कुछ उसी की पसंद का होना चाहिए, इसलिए बड़ी बहू तुम खाना का देख लो और छोटी बहू तुम कपड़ों का देख लो और पायल बहू तुम घर की सजावट को देख लो। जी ससुर जी। तीनों बहुएं अपने ससुर से बातें करते हुए हंसी मजाक कर रही थी,
तभी सुरीली वहाँ आती है और अपनी बहुओं को अपने ससुर के साथ बिना पल्लू किए बातें करता देखकर उन्हें खूब सुनाती है, जिसके बाद तीनों वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सुरीली की एनिवर्सरी और पास आती जाती है, जिसकी तैयारी में उसकी तीनों बहुएं लगी हुई थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मजनू लाल हॉल में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसकी बड़ी बहू मीनाक्षी वहाँ आकर कहती है, ससुर जी मैंने केटरिंग वाले से बात कर ली है और उसे सारी पसंद नापसंद बता दी है, बस उसे ये पेमेंट देकर आनी है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है बहू, जाओ लेकिन जल्दी आना, कहीं तुम्हारी सास को पता न चल जाए, वरना हमारा सारा सच बाहर आ जाएगा और सारा मजा खराब हो जाएगा। मजनू लाल और मीनाक्षी आपस में बातें कर रहे थे कि तभी सुरीली वहाँ आती है और उनकी आधी अधूरी बात सुनकर कहती है, मुझे क्या पता नहीं लगना चाहिए, आप कुछ कह रहे हैं और तुम कहाँ जा रही हो तैयार होकर इतनी सुबह सुबह? कोई खास बात नहीं है बहू, तुम जाओ और जल्दी आना, क्या तुम भी जब देखो तो रोका टोकी करती रहती हो। मजनू लाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सुरीली की एनिवर्सरी का दिन आता है, लेकिन सरप्राइज पार्टी की वजह से कोई उसे विश नहीं करता। तभी सुरीली किसी काम से अपनी छोटी बहू रीशु के कमरे में जाती है और दरवाजे पर पहुँच कर वो देखती है कि उसका पति हाथों में एक सुंदर साड़ी लिए अपनी बहू को देते हुए बोल रहा है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, तुमने तो मेरी दिल की इच्छा कितनी जल्दी ही पूरी कर दी, सच में ये साड़ी बहुत सुंदर लगेगी, अच्छा तुम रखो इसे अपने पास, मैं चलता हूँ वरना तुम्हारी सास देख लेगी। अपने पति का ऐसा रूप देखकर सुरीली का सर चकरा जाता है और वो चुपचाप जाकर हॉल में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मजनू लाल वहाँ आता है तो सुरीली उससे कहती है, कहाँ थे आप, मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। मैं छत पर था, कोई काम था क्या? शर्म नहीं आती इस आदमी को झूठ बोलते हुए और अपनी ही बहुओं के साथ चक्कर चलाते हुए, वो भी एक नहीं दो दो बहुए, खुद की शादी की सालगिरह नहीं आती लेकिन बहुओं के साथ चक्कर चलाना याद है। नहीं कोई काम नहीं था, मैं मंदिर जा रही हूँ, शाम की आरती लेकर ही आऊँगी। हाँ जाओ जाओ, तुम चली जाओगी तो घर सजाने बहुत आसानी होगी। ठीक है जाओ और जल्दी आना। थोड़ी देर बाद सुरीली पूजा की थाल लेकर मंदिर के लिए निकलती है, जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर शाम की पार्टी के लिए घर को सजाने लगती है। तैयारी करते हुए टाइम अचानक बीतता है और तभी सबसे छोटी बहू पायल का पैर मुड़ जाता है। वो गिरने ही वाली थी कि मजनू लाल भाग कर उसे थाम लेता है। तभी सुरीली मंदिर से लौट आती है और अपनी बहू को अपने पति की बाहों में देखकर पूजा की थाल को फेंकते हुए गुस्से में अंदर आकर कहती है, छी जैसा आपका नाम है वैसे ही आपके काम है, अभी तक तो मुझे लगता था कि आप सिर्फ बाहर ही चक्कर चलाते हैं, लेकिन आप तो तीन तीन बहुओं के साथ चक्कर चलाने वाले ससुर हैं। तुम ये क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाते हुए? जब आपको करते हुए शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में कैसी शर्म, किसी बहू से चोरी से बातें करते हो, किसी को साड़ी गिफ्ट करते हो, किसी को बाहों में लेते हो, छी। आज तुम्हारे सोच और सक की तो हद ही हो गई है, बहुओ इस अक्की औरत का शक दूर करो, ये मुझे तीन तीन बहुओं से चक्कर चलाने वाला ससुर बता रही है। अपने ससुर के कहने पर उसकी तीनों बहुएं अपनी सास को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनने के बाद सुरीली को अपनी घटिया सोच और अपनी हरकतों पर शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगती है, साथ ही अपने पति पर दोबारा कभी शक ना करने का फैसला करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।